शेरावाली माता की आवाज नहीं आई, उठाओ हाथ ऊपर और जोर से बोलो सारे, उठाओ ए रोशनी, हाँ उठा बेटी और जोर से बोलियो, बोल शेरावाली माता की। इस प्रकार से जयकारा बोलिया करो। पिया जी साफ मना कर देता है, बोलता है कि मेरे पास कोई वक्त नहीं है, मैं नहीं जा सकता। फिर वो गौरी जाती है अपनी सास के पास के सास तेरे बेटे ने तो मना कर दिया और मेरा आया हुआ है माता रानी का, मैं जाऊंगी। वो बोलिए बेटी रहन दे, कुछ नहीं धरिया, खाम का कलयुग का जमाना है, माड़ा जमाना आ गया, भीड़ भड़ाका मिलेगा, क्या पता लड़ाई झगड़े पता नहीं क्या क्या सो सो लफड़े हुए हैं। कि नहीं मां, मैं तो जाऊंगी, माता रानी के जगराते में भी जाऊंगी, मेले में भी जाऊंगी। तो एक बात के द्वारा जिद करती है, नहीं मानती वो कि मेरी सखी सहेली जावे, मैं इनके साथ मिलके जाऊंगी। सास मना कर देती है, बोलती है बहू या तो मान जानी, मैं अपने बेटे ने बताऊं, फोन करूं। बोली तो अपने बेटे ने बता चाहे किसी ने बता, अगर मैं सिनेमा देखने जाती हूं, सर्कस देखने जाती हूं, मना कर मान जाऊंगी, लेकिन माता रानी के मेले में तो मैं जाऊंगी। और आज देखूं मैंने कौन रोकेगा। और एक बात के द्वारा बोहड़िया अपनी सासू माँ ने के बोली, हो मैं दर्शन करके आऊंगी फिर मैया के मेले में, जगराता सुन के आऊंगी मैं मैया के मेले में। तू बुधिया जोर लगा ले चाहे तेरे बेटे ने बहका ले, मने आज देखूं कौन रोकेगा रोकेगा रोकेगा। मैं तो दर्शन करके आऊंगी मैया के मेले में। मेरी लैंग्वेज मेरी बोली समझ में आ रही है सभी को? और तो मन्ने भी बेरा और कि मैं इंग्लैंड में खड़ा हूं वो तो पूछना पड़ता, थोड़ा थोड़ा सा ना बोली में फर्क है, यूपी हरियाणा राजस्थान दिल्ली थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा लैंग्वेज में फर्क है, इसीलिए पूछता हूँ समझ में सभी की आ रही है कि मतलब के कि रिदम की आवाज ज्यादा ना हो मेरी कम हो, इसीलिए समझ में इसीलिए पूछ रहा हूँ मैं कि क्लियर समझ में आ रही है। और बोली लैंग्वेज भाषा में तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे भी पता है। चलो किस प्रकार से बोहड़िया अपनी सासू माँ ने के बोली, हाँ अरे मैं जगराता सुन के आऊंगी कृष्ण विहार में जाके, ये तू बुढ़िया जोर लगा ले चाहे तेरे बेटे ने बहका ले, मने आज देखू कौन रोकेगा रोकेगा रोकेगा, जगराता सुन के आऊंगी। क्या बात है वाह भाई साहब, थैंक यू धन्यवाद। ये कमेटी के सदस्य हैं भाई, फूलों की माला में 500 का नोट डाल के लाए मेरे लिए, वाह भाई साहब। भाई हंस लो मेरे को क्या है, मैं तो पता है क्या है, तुम ये मत सोचियो कि फौजी ऐसा क्यों कर रहा है, शक कर रहा है। भाई फौजी हूं और फौजी आदमी कभी कानून का उल्लंघन नहीं होने देता। बैंकों में लिखा रहता है बड़ा नोट हमेशा देख कर ले, लिखा रहता है ना, तो वाहरे गांधी तेरी क्या चली आंधी, आया था लंगोट में और पड़ गया 500 के नोट में। थैंक यू धन्यवाद भाई साहब, मेरा मान सम्मान करके गई है, भगवान इनको कई लाख गुना ज्यादा बढ़ा करके दे, ठीक है जी। हाँ हरी मैं तो दर्शन करके आऊंगी आज जगराते में जाके, प्रसाद चढ़ा के आऊंगी मैया के दर पे जाके, बुढ़िया जोर लगा ले चाहे थर बेटे ने बहका ले, मन आज देखो कौन रोकेगा रोकेगा रोकेगा, जगराता सुन के आऊंगी आज कृष्ण विहार में जाके, प्रसाद चढ़ा के आऊंगी हरी मैया के दर जाके। यो मैया जी का सत्संग बिन देखे चैन न आवे, यो मैया जी का मेला बिन देखे चैन न आवे, मत बुढ़िया टांग अड़ावे ओ मन जावण से क्यों टावे, यो माता का जगराता बिन देखे चैन न आवे, मैं तो
ढक्के ते चली जाऊंगी मैया के बेड़े में, प्रसाद चढ़ा के आऊंगी मैया के बेड़े में। तू बुधिया जोर लगा ले चाहे हर बेटे ने बहका ले मन, आज देख कौन रुकेगा रुकेगा रुकेगा, मैया के दर्शन पाऊंगी मेरी जागरण में जाके, प्रसाद चढ़ा के आऊंगी जागरण में जाके। होके 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 तैयार बहुड़ कट्ठे चाली है जगराते में चालिए, होके तैयार बहुड़ कट्ठे चाली है वो जगराते में चालिए। मैया की महिमा न्यारी वह भीड़ भड़ा का भारी, मैया की महिमा न्यारी वह भीड़ भड़ा का भारी। तू देख एक बार जाके वह जावे दुनिया सारी, तू देख एक बार जाके वह जावे दुनिया सारी। मैया की महिमा न्यारी वह भीड़ भड़ा का भारी, तू देख एक बार जाके वह जावे दुनिया सारी। धन मेरा धन मेरा धन मेरा चाल दिखाऊंगी मैया के मेरे रुकेगा रुकेगा, मैया के दर्शन पाऊंगी मैं जगराते में जाके, प्रसाद चढ़ा के आऊंगी मैं जगराते में जाके। भी जाना चाहिए चरणा में धोक लगा के प्रसाद चढ़ाना चाहिए, तू मम्मी मन ने रोके हर खुद भी जाना चाहिए, चरणा में धोक लगा के प्रसाद चढ़ाना चाहिए। और मैं सारा सारा दुख कटवाऊंगी, मैं तेरा सारा दुख कटवाऊंगी हेरी मैया के सत्संग में, धोक लगा के आऊंगी मैया के मेरे में। तू बुढ़िया जोर लगा ले चाहे तेरे बेटे ने बहकाले मन, रुकेगा रुकेगा रुकेगा, मैया के दर्शन पाऊंगी हरी जगराते में जाके, साथ चढ़ा के आऊंगी हरी जगराते में जाके। मैया के दर्शन करके अरे बेड़ा पार हो जाना, मैया के दर्शन करके अरे बेड़ा पार हो जाना। वहां भजन कीर्तन गावे गावे करम पीर गाना, वहां भजन कीर्तन गावे गावे करम पीर गाना। स्टॉप, डोंट मेक ए नॉइज, कीप क्वाइट। अच्छा ये बताओ ये किस चीज का प्रोग्राम चला हुआ है जी? माता रानी का। अच्छा भजन कौन सा? सास बहू का चले हुआ है ना, तो इस सास बहू के भजन गाते गाते मेरे एक छोटी सी बात याद आ गई। ऐसा है जी, मेरी माँ भक्ति में घना ही ध्यान रखा करे, पर हमारे मैडम वह फौजन जो है वो भक्ति में इतना ध्यान कौन रखे। मेरा नवा नवा ब्याह होया था और मेरी माँ मन ने यूं बोली कि बेटा तेरा नवा नवा ब्याह होया है और तो बहू ने सागे ले जा, यानी कि संग ले जा, साथ में ले जा फौज में। अंबाला कैंट में मेरी ड्यूटी थी जी, तो मैं जो है क्वार्टर में ले गया फौजन ने। मेरी माँ ने मंदिर दे दिया माता रानी का, बेटी जोत बत्ती करती रहिए। दो तीन महीने तो जोत बत्ती करी, दो तीन महीने के बाद जोत बत्ती करनी छोड़ दी। अंबाला कैंट का माहौल देखा और वहां पर जो है माहौल देख के सारा कुछ, और मेरे को कहती है देखो जी। मैं बोला बोलो जी। अब मैं गांव की सीधी पादरी लुगाई नहीं रही हूं, मखाब क्यों हो गया? अभी तो मैं जेंटल बन गई हूं। मैं बोला ओके ठीक है।
बोली मेरे को फेयर एंड लवली क्रीम चाहिए, इंटरनेशनल कसका साबुन चाहिए, क्यों कारपिन तेल चाहिए। मैं बोलिया बावली कामा में मेरी माँ मेरी काकी ताई और चोटी रखे कितनी सोहनी लागे, के काटेगी जलेबी जुड़े सॉरी माँ के काटेगी तो सरसम का तेल अपना देसी यूज करेगा अम्मा के अंदर तो यही चलेगा। और अभी बोली नहीं जी नहीं, मेरे को तो कियो कारपिन और पता नहीं सेंट वेंट क्या क्या चाहिए। मैंने सोचा कोई बात नहीं भाई, जब आर्मी में लेके आ गया तो के कंजूस अपना बर्तन लटरम पटरम सारा सामान मन ने लिया के दे दिया। और दो चार महीने के बाद फिर बोली देखो जी, मैं बोलिया बोलो जी, जब हम मार्केट में शॉपिंग करने के लिए गए थे ना तोपखाना बाजार में, मैं बोलिया हाँ तो आपने देखा होगा एक मेम साहब ने जलेबी जूड़ा बना के रखा था, मैंने तो वैसा वैसा जलेबी जूड़ा बनाना सीखना है। मैं बोला बावड़ी के काटेगी जलेबी जूड़े में तो रान देना, मेरी गामा के अंदर तने देखी होंगी लुगाई चोटी बना के रखा कितनी सोहनी लग गया। बोली नहीं जी नहीं, मैं तो जलेबी जूड़ा बनाना सीखूंगी। तो मैं बोला चलो कोई बात नहीं, तो तेरा यह जलेबी जूड़ा भी बनाना सीख ले यहाँ पे। तो मेरी माँ कुदरती है पाँच छः महीने के बाद क्वार्टर पे पहुंच गई बेरा लेने खातिर, बहू बेटे का दिल लग रहा है कि कोनी। बोली बेटा, मैं बोला हाँ, बहू का तो कुछ हिसाब किताब सा बदल गया। मैं बोला क्यों हो गया, घूंघट कोनी काटा है। मैं बोला माँ यहाँ कोई राजस्थान पंजाब दिल्ली हरियाणा किस किस से घूंघट काटेगी, गाँव में आएगी तो घूंघट भी कर लेगी। बोली बेटा एक बात और कौन सी, अरे गाँव में तो बर्तन कासन भांडे चोरी हो जाया करते, फौज में भी होने लग गए। मैं बोला क्यों हो गया, बोले अरे बेटा कल परसों तो अपना 2 किलो वाला डोलू उठा लिया, किसी ने मिल नहीं रहा। मैं बोला हाँ बेटा वो दूध आ रहे है और दूध लेना है, पाइया की लुटिया गायब होगी, वह भी नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ गई। मेरी माँ तो डोल लुटोन दी, फिर मैं बोला मैं पड़ोसियों के जा रहे होंगे ढूंढ ले। और वह पाइया की लुटिया ढूंढती डोलर डोलू ढूंढती डोलर, फौजन ने केचा टपण कर रखे हो आंटी जेब जलेबी जुड़ा तो उसने बनाना नहीं आया। मेरी माँ ढूंढती डोल थी ना लुटिया पाइया की, गुद्दी का पाछा धरका बाड़ा के गेड़े दे रखे उसने और खुश हो रही मेरा जलेबी जुड़ा बन गया। मेरी माँ पागल को तरह फिर बर्तन ढूंढती डोलू और लुटिया। और मैं आया ड्यूटी पे, ड्यूटी देकर क्वार्टर पे आया, मैं बोला जल्दी से खाना डाल दे मेरे को, ब्रिगेडियर साहब का गनमैन जाना चंडीगढ़ 15 मिनट के बाद। बोली खाना तो मैंने आज बनाया नहीं जी। मैं बोला क्यों, मैंने तो जलेबी जूड़ा बनाया है जी। मैं बोला यार परेशान मत कर जल्दी खाना डाल, मैं टेंशन। बोले खाना मैंने बनाया नहीं जी, देखो मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। मेरा उठा था गुस्सा और उल्टे हाथ का एक थप्पड़ दिया खींच कर, क्वार्टर में पक्का फर्स था, जूड़े में तली कटके हुआ पाइया की लुटिया टन देसी बोली। और मेरी माँ बाज के आई लुटिया ठा के खुश होगी, बोली शाबाश ने मेरा बेटा एक थप्पड़ और चढ़ता, डोलू भी यहीं से निकल का आवेगा जहां से लुटिया निकल का आई। मैं धोख लगा के कीर्तन पावे गावे का करम बीर गाना, भजन कीर्तन पावे गावे का करम बीर गाना। मैं सीढ़ी उनकी ल्याऊंगी यारी तड़के शहर में जाके, हर साथ चढ़ा के आऊंगी यारी भैया के दर जाके। ओ बुढ़िया जोर लगा ले चाहे तेरे बेटे ने बहताल, आज देख कौन रुकेगा रुकेगा रुकेगा, प्रसाद चढ़ा के आऊंगी यारी भैया के। बोल शेरा वाली मैया की, इतने में मानू ही कोनी उठाओ दोनों हाथ ऊपर। मैंने बोला कि जोर से जयकार लगाया करो, ए आंटी भगवान ऊपर कोनी खींचे उठा ले दोनों हाथ ऊपर, उम्र बहुत बढ़िया है। बोल शेरा वाली माता की, इस प्रकार से जयकार लगाया करो। और नवरात्रों में वर्ती व्रत किस चीज ने रखा था, अच्छा 50% व्रत रखने वाली है, व्रत रखा था कि माँ मैं तेरे हर नवरात्र में व्रत करती हूँ, आगे नवरात्र आएंगे और मैं भी व्रत रखूंगी, एक छोटी सी फरमाइश है वो पूरी कर दे माँ। और एक बात के द्वारा अपनी मैया को रिझाती हुई क्या कहती है, हो माँ मेरी इच्छा पूरी कर दे, मेरी इच्छा पूर्ण कर दे तो तेरा ध्यान धरूंगी माँ, मैं नो के नो नवरात्रों में तेरा व्रत करूंगी माँ। मेरी इच्छा पूर्ण कर दे, मेरी इच्छा पूर्ण कर दे, मेरी इच्छा पूर्ण कर दे तेरा ध्यान धरूंगी माँ। नो के नो नवरातों में तेरा व्रत करूंगी माँ, मैं नो के नो नवरातों में तेरा व्रत करूंगी माँ, मैं नो के नो नवरातों में तेरा व्रत करूंगी माँ।
चांदी हीरे मोती माँ मैं कुछ ना चाहूं, अरे सोना चांदी हीरे मोती माँ मैं कुछ ना चाहूं, अरे मैं तो बस चाहती हूँ माँ गोदी में लाल खिलाऊं, अरे मैं तो बस चाहती हूँ माँ गोदी में लाल खिलाऊं, अरे सोना चांदी हीरे मोती माँ मैं कुछ ना चाहूं, मैं तो बस चाहती हूँ माँ गोदी में लाल खिलाऊं, अरे मैं तो बस चाहती हूँ माँ गोदी में लाल खिलाऊं, अरे देखो बाट में मैया ये देखो बाट में मैया, अरे देखो बाट में कब जलवा का नीर भरूंगी माँ नोके नो, अरे नोके नो नवरातों में तेरा व्रत करूंगी माँ, नोके नो नवरातों में तेरा व्रत करूंगी परिवार में मेल राखिए हे माँ मैं तो ये ही चाहूँ, परिवार में मेल राखिए हे माँ मैं तो ये ही चाहूँ, मेरा बालम कुछ कह दे वे मने तो मैं गुस्सा कभी ना खाऊं, मेरा बालम कुछ कह दे वे मने तो मैं गुस्सा कभी मैया रानी के दर पे आके कोई सोना चांदी हीरे मोती कोठी बंगले मांगता है, लेकिन वो भगतनी कहती है कि माँ आज जमाने में आग बहुत फैल गई, मेरे को ठंडी सीढ़ी राखिए आसानी से मने गुस्सा ना आवे, क्योंकि गुस्सा अकल को खा जाता है भगत जनों, इसीलिए सहन शक्ति बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत अच्छी चीज मांगी, क्या कहती है, परिवार में मेल रखिए हे माँ मैं तो ये ही चाहूँ, परिवार में मेल रखिए हे माँ मैं तो यो ही चाहूँ, मेरा बालम कुछ कह दे वे मने तो मैं गुस्सा कभी न खाऊं, मेरा बालम कुछ कह दे वे मने तो मैं गुस्सा कभी न खाऊं, मेरी सासू और नंदी से मेरी सासू और नंदी से मेरी सासू और नंदी से मैया मैं कभी लड़ूंगी ना नोके नो, मैं नोके नो नवरातों में तेरा व्रत करूंगी माँ, नोके नो नवरातों में तेरा व्रत करूंगी माँ। आशीर्वाद दिए माता मैं बनके रहूं सदा तेरी, आशीर्वाद दिए माता मैं बनके रहूं सदा तेरी, भूल चूक में हो जाए गलती करिए माफ खता मेरी, भूल चूक में हो जाए गलती करिए माफ खता मेरी, आशीर्वाद दिए माता मैं बनके रहूं सदा तेरी, भूल चूक में हो जाए गलती तो करिए माफ खता, भूल चूक में हो जाए गलती करिए माफ खता मेरी, अरे लेके तेरा नाम है मैया लेके तेरा नाम, लेके तेरा नाम भव से पार करूंगी माँ, नोके नो मैं नोके नो नवरातों में तेरा व्रत करूंगी माँ, नोके नो नवरातों में तेरा व्रत करूंगी माँ, हे मेरी शेरा वाली माँ हे मेरी मेहरा वाली माँ, कि मैं गुस्सा कभी ना खाऊं, इसके ऊपर बता रहा हूं आपको, मैं 11 तारीख को दिल्ली आया था और 18 तारीख तक के रेगुलर प्रोग्राम है मेरे, एक हफ्ता हो गया घर गए, तो शेरावाली माता की भक्ति में लीन है हम, तो रास्ते में मैं आ रहा था तो मैडम का फोन आया हरियाणा से फौजन का, कहने लगी कि कब कहाँ हो, मैंने कहा गुड़गांव, कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा दिल्ली, बोली घर कब आओगे, मैंने कहा पता नहीं, इतना सुनते ही गुस्से में होगी लाल, बोली ठीक है आना भी मत दिल्ली में बस जाना, यानी कि गुस्सा जायज है, इसलिए है मेरी शेरावाली माता आपके दर पे आके, आपके दर पे आकर के पूरा विश्वास है कि हर चीज को हर काम को तू सफल बनाएगी, और यहाँ आकर के मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, ये संसार यार प्यार परिवार कुछ नजर नहीं आता मैया रानी, सिर्फ मेरे को तू ही नजर आती है, और किस प्रकार से, हाँ मेरा परिवार मुझसे रूठ जाए, ये संसार मुझसे रूठ जाए, मेरा यार मुझसे रूठ जाए, मेरा प्यार मुझसे रूठ जाए, पर हे मेरी शेरा वाली मैया आप मेरे से कभी मत रूठना, क्योंकि परिवार रूठेगा तो मना लूंगा, आज नहीं तो कल जाके मना लूंगा,
ये संसार रूठेगा इसे भी मना लूंगा, भजन गा के मना लूंगा। अरे मेरा यार रूठेगा उसे भी मना लूंगा, मेरा प्यार रूठेगा उसे भी मना लूंगा। लेकिन हे मेरी शेरा वाली मैया, आप मुझसे रूठ गई तो आपको कैसे मना लूंगा। लेकिन फिलहाल अभी इस वक्त दिल्ली कृष्ण विहार आपके जागरण में परिवार मनाने की ना सोची, जब सोचांगे तब देखांगे, सोचांगे जब देखांगे, सोचांगे जब देखांगे। संसार मनाने की ना सोची, जब सोचांगे तब देखांगे, सोचांगे जब देखांगे, सोचांगे जब देखांगे। मन यार मनाने की ना सोची, जब सोचांगे तब देखांगे, सोचांगे जब देखांगे, सोचांगे जब देखांगे। मन यार मनाने की ना सोची, जब सोचांगे तब देखांगे, जब सोचांगे तब देखांगे, जब सोचांगे तब देखांगे। मन प्यार मनान की ना सोची, जब सोचांगे तब देखांगे, जब सोचांगे तब देखांगे, जब सोचांगे तब देखांगे। फिलहाल मेरी ये शेरा वाली माही मान जाए काफी है, तेरी मस्त मस्त भक्ति में खो जाऊं, तेरी मस्त मस्त भक्ति में खो जाऊं, तेरी मस्त मस्त भक्ति में खो जाऊं, तेरी मस्त मस्त भक्ति में खो जाऊं। अरे सब कुछ छोड़ छाड़ के मां मैं तेरा हो जाऊं, तेरी मस्त मस्त, तेरी मस्त मस्त, तेरी मस्त मस्त भक्ति में खो जाऊं, तेरी मस्त मस्त भक्ति में खो जाऊं। के सुंदर भजन बनाए करमवीर फौजी मैया के सुंदर भजन बनाए। अरे मीठा मीठा साज बजे और भगत भी ताड़ी बजाए, अरे मीठा मीठा साज बजे और भगत भी ताली ताड़ी ताड़ी बजी नी ताड़ी। म्यूजिक स्टॉप, ओनली फॉर क्लैपिंग बजेगी, इन दो लाइनों में ताड़ी बजेगी, ताड़ी का साज होगा, साज वाले टेक रेस्ट। थपड़ थपड़ नहीं करनी मेरे सागे ताल के, सागे ताल मिलानिया कैसे। करमवीर फौजी माँ तेरे भजन बना के गाए, करमवीर फौजी माँ तेरे भजन बना के गाए। अरे मीठा मीठा साज बजे और भगत भी ताली बजाए, अरे मीठा मीठा साज बजे और भगत भी ताली ताली रे ताली। तक तिनक दिन दे ताली, तक तिनक दिन दे ताली, तक तिनक दिन दे ताली, तक तिनक दिन दे ताली। मीठा मीठा साज बजे और भगत भी ताली बजाए, अरे मीठा मीठा साज बजे और भक्त भी ताली बजाए। अरे मीठे मीठे सुर में, अरे मीठे मीठे सुर में, अरे मीठे मीठे सुर में मैं भी राग भरूंगी माँ, नौके नौ नवरातों में तेरा व्रत करूंगी माँ, अरे नौके नौ नवरातों में तेरा व्रत करूंगी माँ। बोल शेरा वाली माता की आवाज नहीं आई, इतने में मानू ही को नहीं उठाओ हाथ ऊपर कर लियो नीचे, क्योंकि एक और दिमाग में आइडिया आ गया मेरा ऊंचे जयकारा बुलवाने का। जयकारे का होगा कंपटीशन, कंपटीशन का मतलब एक बार ये लेडीज बोलेंगी, एक बार ये लेडे बोलेंगे। मेरी अंग्रेजी वीक है, आई एम ओनली फॉर मैट्रिक पास फ्रॉम इंडिया, सिर्फ 4 साल इंग्लिश पढ़ी है, वही यूज कर लेते हैं छठी से दसवीं। यानी कि एक बार ये मेरी आंटी वाली टीम बोलेगी, एक बार अंकल वाली टीम बोलेगी, आवाज देखेंगे किसकी ज्यादा आएगी। लेडीज फर्स्ट, सबसे पहले लेडीज जयकारा लगाएंगी, जितनी भी लेडीज हैं सारी हाथ उठाओ, जितनी भी लेडीज हैं। अरे तू भी लुगाइया में शामिल है के पीछे है यार, फिर यूं तो सुन ले मैं बोल लूं क्यों, कम से कम ध्यान तो रख। और जोर से जयकारा बोलियो, अब देखियो कंपटीशन का मामला है, अब देखते हैं जयकारे की आवाज हमारी ज्यादा है आपकी ज्यादा आएगी, ठीक है। ओके, आर यू रेडी। बोल शेरा वाली माता की, खूब जोर लगाया। अब मर्दों की बारी है, अब जितने जेंट्स हैं सारे हाथ खड़ा कर लो। कोई भी नहीं रहना चाहिए लेफ्ट राइट आगे पीछे ऊपर नीचे, ये साउंड वाले मर्दों में शामिल को नहीं, फिर देख लेना ड्रामा क्यों हो रहा है। जोर से बोलियो, बोल शेरा वाली माता की। क्या बात है, देखा जा करा नहीं, हंसने की बात नहीं, आप जीत नहीं सकते, इसका कारण है। कारण क्या है कि गला है ना आपके गले में तो ट्रेबल है, जैसे आप बोलोगे हेलो हाय, और हमारे गले में बेस है हेलो, ये बेस हमारे गले में, इसलिए हमारी बात ज्यादा है। चलो कोई बात नहीं, बहुत जोर दोनों पार्टी में बढ़िया लगाया, और इसी प्रकार से जयकारा बोल लिया करो। और मैं ये चाहता हूँ भाई कि जब तक मेरा हाथ में ये फुकनी सी रवे ना,
हर एक के चेहरे पे हंसी खुशी और खिलावट देखना चाहता हूं मैं, तभी फायदा मेरा इतनी दूर में आता हूं। क्योंकि आज के टाइम पे मैं सबसे मुश्किल काम मानता हूं लोगों के पेट से हंसी निकालना। बंदे के दिमाग में टेंशन इतनी बढ़ गई, किसी ने छेड़ लो खान ना आवे, किसी ने प्यार से बोलोगे राम राम उल्टा जवाब मिलेगा क्या गंगा ना क्या है, अगर कोई हंसेगा ही क्यों दांत पड़े, अरे भैया हंस ले तू भी यार, जिंदगी में हंसने के लिए तो आए हैं। तो ये टेंशन इतनी घुस गई हंसी आ रही को नहीं, अरे सबसे मुश्किल काम है जो आपके पेट से हंसी निकाल रहा हूं मैं। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और दोस्तों भगत जनों में हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, ये सत्संग है, सत्संग में कोई अच्छी बात बताए उसे ग्रहण करके जाओ, सत्संग वही होता है। और सारी रात जय माता दी करते रहेंगे ना तो उससे बढ़िया है कोई अच्छी बात बताए कलाकार आप ग्रहण करो। एक तो ये बड़ा भक्ति में ध्यान रखा आप लोगों ने, बड़ा बढ़िया जागरण करवाया, तो इसी प्रकार से ना इस नशे पत्ते से दूर रहा करो। ये जो नशे चल गए ना आजकल, ये अंग्रेजी नशे खतरनाक डेंजरस, इसे दूर रहा करो। क्योंकि मैं आता हूँ दिल्ली में, ये क्या हालत हो रही है दिल्ली के बच्चों की, बच्चे मेरे पास आते हैं फौजी साहब मैं बोले फोटो खिंचवानी है, नजदीक लगेंगे खिंचवाएंगे फोटो और एक्सरे निकल के आता आगे ऐसे ऐसे मिलते हैं, आने से पूछ के देख लो। मैं बोला बेटा उम्र कितनी है, 18 साल, वजन 44 किलो, ये हालत होगी इन बच्चों की, 18 साल का जवान, उम्र तो पूछ ले 18 साल और वजन 44 किलो, ऐसे मूसरे अंदर को पीरागढ़ी नजर आवे इनके। और फिर कारण क्या है यार, पता कि हंसने की बात नहीं है, ये भारत देश है। और कभी वो जमाना होता था कि 18 साल का भारत का जवान तो ऐसा तैयार हो जाता था कि इस धरती के ऊपर उसकी कोई बांह पकड़ने वाला नहीं था। ये जिंदी जागदी मिसाल है, इतिहास गवाह है, 18 साल के बालक ने भारत के में जाके लंका नगरी के अंदर रावण के दरबार में अंगद ने ऐसे पैर जमा के और चैलेंज कर दिया था, तेरे पूरे लंका नगरी में से किसी भी बड़े से बड़े पहलवान को ले आ और भारत से आज जवान आया और ये पैर मैंने जमा दिया, इस पैर को उठाना तो दूर की बात, अगर किसी ने हिला भी दिया तो जाकर के श्री रामचंद्र जी को बोल दूंगा सीधा छुड़ाना तेरे बस की बात नहीं है। और वो भारत का जवान जिसका पैर उठाना तो दूर की बात, को हिला भी नहीं पाया था लंका नगरी में, वो भी पहलवान ऐसे ऐसे थे। और आजकल देख लियो, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा ख्याल रखा करो बेटा, सेहत का बचा के रखा करो, इस नशे पत्ते से थोड़ा दूर रहा करो, धार्मिक जो है बातों में ध्यान रखा करो। और ये लेडीजों के लिए भी ये विशेष हिदायत है कि शेरा वाली माँ जब खुश होगी, जब घर वाली माँ को खुश रखोगे, सास आ गई वो भी माँ है, धर्म की माँ है। इब कईयों की तो आदत होती है, बुरा मत मानियो, अक मैं तो जगराते में जाऊँ, वह सासू बेचारी खाट से उठने की हिम्मत नहीं है, बेटी दो रोटी डाल जा मैं खा लूंगी तो जगराते में चले जाए, मुझे नहीं पता मैं तो लेट हो रही हूँ, मैं तो जाऊँ। माँ तो भूखी बैठी है, उससे बेचारी से उठ के रोटी नहीं पहुंच जाती, सासू तो भूखी बैठी और खुद जगराते में आ गई तैयार होके, और जगराते में भी आके सबसे आगे पलोथी मारेगी जहां कलाकार बैठे हैं और कलाकारों के साथ गावेगी ताड़ी बजा के, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, ये सासू तो तेरी घर भूखी बैठी और तू कह मैं सारे गांव ने हलवा बांटूंगी, तो सारे गांव ने चाहे खीर बांट चाहे हलवा बांट, जब तक तेरी घरवाली माँ का पेट नहीं भरेगा उसका भोग लगेगा तो ये माँ थोड़ी मानेगी तब तक। ये छोटे छोटे टिपिकल पॉइंट है, ख्याल रखा करो, ये बहुत समझने वाली बातें होती है। चलो वेरी गुड, अभी एक भजन आप लोगों के बीच में, के कृष्ण भगवान जब वो राधा सारा दिन रखती थी मेरा कान्हा, वो एक दिन उसके सखियां बोली है क्या कान्हा सारा दिन कान्हा 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 क्या है तेरे कान्हा में, ये बोली है तुम्हें क्या पता है, तुम्हें तो कुछ नहीं पता, बोले पता क्यों नहीं है हमें सब पता है। ठीक है, सारा दिन तारीफ करती है ना, वो तो एक नंबर का चोर है ढोंगी है, कौन कहता है ये सारा गांव कहता है, पूरे गांव से पूछ के देख कोई उसके घर में घुसने दे के राजी नहीं है कोई घर में। तो राधा को पूरा भर दिया उसकी सखियों ने और कृष्ण कन्हैया ने बजाई मुरली और राधा मुंह फैला के खड़ी होगी, कान्हा कहने लगा कि राधा तू ऐसे क्यों खड़ी है, कि नहीं मुझे नहीं करनी तेरे से बात, क्यों नहीं करनी, कि तू तो चोर है। चोर का नाम सुनते ही कान्हा हंसने लग गया कि राधा तेरे को किसने बहका दी ये बात, कि नहीं किसी ने बहकाया नहीं है, मैंने जिससे भी पूछा है वही कहता है तू चोर है, कौन कहता है मेरी सखियां कहती है चोर है, और कौन कहता है ये गांव कहता है चोर है, और कौन कहता है ये सभी कहते हैं चोर है। ठीक है, कान्हा कहने लगा कि राधा तू गुस्सा मत हो, मैं चोर हूं कि हाँ, अगर मैं चोर हूं ना हाँ तो तू भी चोर है। बोले मैं कौन, मैं कैसी चोर हूं, बोले तू तो मेरे से भी बड़ी चोर है, और बोले ये सखियां तेरी ये भी चोर है, ये गांव बोले ये गांव तो महाचोर है, तो ये कैसे, बोले कैसे क्या, अगर मैं चोर हूं ना तो साथ कोई नहीं है सारे चोर हैं, तू तो मेरे से भी बड़ी चोर है, तू कैसी चोर है मैं बताऊंगा तेरे को, अरे तेरी सखियां कैसी चोर है वो भी बताऊंगा, अरे गांव कैसा चोर है वो बताऊंगा। कान्हा ने सभी कोई चोर बता दिया, अगर मैं चोर हूं तो सारे चोर है, और कैसे कैसे चोर बताए सुनना इस भजन में कैसे बताया। हाँ हाँ मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा,
तू बन गया ना, बस इतना ही बेरा है फालतू बन बेरा। भाई ऐसा देखो जी, एक से एक कलाकार हैं दिल्ली के अंदर, ऐसी फनकार पड़ी हैं, हमारे तो हेलो करने की भी हिम्मत नहीं होती उनके सामने, कानों के कीड़े जड़ते हैं। लेकिन भाई आप लोगों को पता है, मैं तो एक तो मैं फौजी ऊपर से जाट, और यूं कह करेंगे जाट का और तेरी चाट का कोई मेल हो को नहीं। भाई माता रानी की कृपा हो रही है, जितना ज्ञान दिया उतना बखेर देते हैं, ठीक है ना। वेरी गुड, बहुत अच्छा म्यूजिक ग्रुप है, बड़ा अच्छा तालमेल है, बहुत अच्छा साउंड है, बहुत अच्छा डिसिप्लिन है। प्रोग्राम में 11 तारीख से लगातार कर रहा हूँ, बसई गांव के अंदर, गुड़गांव में प्रोग्राम किया, मानेसर में किया, भोंडसी जेल के अंदर प्रोग्राम करके आया, रिवाड़ी के अंदर प्रोग्राम किया, और आज कृष्णा बिहार के अंदर आया हूँ, नजफगढ़ में कर किया। लेकिन जितने भी प्रोग्राम यहाँ नजदीक से किया, बहुत बढ़िया आपका डिसिप्लिन है, बड़ा अच्छा आपका आला दर्जे का सिटिंग अरेंजमेंट और दरबार साउंड म्यूजिक हर चीज से बहुत बढ़िया सिस्टम आपका। बधाई के पात्रों एक बार जोरदार ताली कमेटी के नाम से जिन्होंने अरेंजमेंट किया, इतना बढ़िया, इतना खर्चा किया। देखो सोचना, अगर आप सोचोगे ना सोचने में भी खोपड़ी खराब हो जाएगी, इन्होंने तो कर ही दिया, इतना साथ दिया करो कमेटी का, बहुत बढ़िया। और क्या कहने लगा किशन कन्हैया उस राधा को, हाँ हो इस दुनिया में सब चोर चोर, ए राधा इस दुनिया में सब चोर, हे कोई तन का चोर कोई मन का चोर, तेरा काना तो मक्खन चोर। मैं तो छोटा सा चोर हूं, खाने की चोरी करता हूँ, क्या चोरी है रे, यहाँ तो बड़े बड़े चोर पड़े। और क्या बता दिया, इस दुनिया में सब चोर चोर, इस दुनिया में सब चोर, इस दुनिया में सब चोर चोर, इस दुनिया में सब चोर, कोई तन का चोर कोई मन का चोर, तेरा काना माखन चोर, इस दुनिया में सब चोर चोर, इस दुनिया में सब चोर, इस दुनिया में सब चोर चोर, इस दुनिया में सब चोर। कोई आने या तो आने की, कोई आने या तो आने की, कोई आने या तो आने की, कोई चोरी करे खजाने की, कोई आने या तो आने की, कोई आने या तो आने की, कोई आने या तो आने की, कोई छोटा चोर कोई बड़ा चोर, ये बैठा चोर ये खड़ा चोर, इस दुनिया में सब चोर चोर, इस दुनिया में सब चोर, कोई इस दुनिया में सब चोर चोर, इस दुनिया में सब चोर, कोई तन का चोर कोई मन का चोर, तेरा काला माखन चोर, इस दुनिया में सब चोर चोर, तेरा भाई इस दुनिया में सब चोर। भगत बड़ा है मस्त मस्त, तू भगत बड़ा है मस्त, तू भगत बड़ा है मस्त मस्त, तू भगत बड़ा है मस्त, नहीं तुझको कोई होश होश, कोई होश होश, नहीं तुझको कोई होश होश, तुझ पर भक्ति का जोश जोश, तेरे में भक्ति का जोश जोश, मत होश है तू हर वक्त वक्त, इस दुनिया में सब चोर चोर, इस दुनिया में सब चोर, ये बात इस दुनिया में सब चोर। यो दिल्ली का बोट है किशन बिहार में, तो नैनो की चोट मार गया, यो दिल्ली का बोट किशन बिहार में, जय हो।
कोई काटे बातों बातों में, कोई काटे बातों बातों में, कोई काटे बातों बातों में, कोई डाका डाले रातों में, कोई काटे बातों बातों में, कोई काटे बातों बातों में, कोई काटे बातों बातों में, कोई गोरा चोर कोई काला चोर, कोई गोरा चोर कोई काला चोर, कोई लाट साहब का साला चोर, इस दुनिया में सब चोर चोर, इस दुनिया में सब चोर, राधा दुनिया में सब चोर चोर, इस दुनिया में सब चोर। मेरी चल वेंद आई कल कल घुंगरल बल वेंद आई नी, मैं बालिया वेखद आई ओए, मेरा लौंग गया माई ओए, मेरा लौंग गया। जय हो किसी की नींद चुराता है और मजे से खुद सो जाता है, और मजे से खुद सो जाता है, और मजे से खुद सो जाता है, कोई किसी की नींद चुराता है और मजे से खुद सो जाता है, और मजे से खुद सो जाता है, और मजे से खुद सो जाता है। के राधा तू कह रही थी मैं कौन सी चोर हूँ, तू तो मेरे से भी बड़ी चोर है, मैंने क्या चुराया है? अरे तूने मेरी नींद चुराई, मेरा चैन चुराया, और तू तो मेरे से भी बड़ी चोर है, मैं क्या सुनाने लगा। कोई किसी की नींद उड़ाता है और मजे से खुद सो जाता है, और मजे से खुद सो जाता है, और मजे से खुद सो जाता है, कोई किसी की नींद चुराता है और मजे से खुद सो जाता है, और मजे से खुद सो जाता है, और मजे से खुद सो जाता है। मेरी नींद चुराने आया है कोई ऐसा ही मत वाला चोर, इस दुनिया में सब चोर चोर, इस दुनिया दुनिया में सब चोर चोर, इस दुनिया में सब चोर। फिर राधा बोलती है कि कान्हा आपकी बात मेरे को समझ में आ गई, अब मैं किसी से नहीं घबराऊंगी, उनकी बातों का उल्टा जवाब दूंगी, तो मेरी सखियां मुझे कुछ बोलेगी तो। और क्या कहने लगी, मैं किसी से नहीं घबराऊंगी, सखियों को जाके बताऊंगी, सखियों को जाके बताऊंगी, सखियों को जाके बताऊंगी, मैं किसी से ना घबराऊंगी, सखियों को जाके बताऊंगी, सखियों को जाके बताऊंगी, सखियों को जाके बताऊंगी। कोई फर्ज चोर कोई मर्ज चोर, कोई फर्ज चोर कोई मर्ज चोर, ये फौजी करमवीर तर्ज चोर, इस दुनिया में सब चोर चोर, इस दुनिया में सब चोर, इस दुनिया में सब चोर चोर, कोई तन का चोर कोई मन का चोर, तेरा काटा माखन चोर, इस दुनिया में सब चोर चोर, इस दुनिया में सब। बोल शेरा वाली माता की, बोल कृष्ण भगवान की, कैसे हाँ हो मेरा मैया का दिखाते हो, हो नंदी के पीरा हो मेरा मैया का दिखाते हो, हो नंदी के पीरा आहा तन न्यू। हाँ मंद मंद मुस्कान सखी, हाँ देखता रह तू तन न्यू तन न्यू पलका में रखू हो, हो नंदी के पीरा हो पलका में रखू हो, नंदी के पीरा हो मेरा मैया का दिखाते हो, हो नंदी के पीरा हो मेरा मैया का दिखाते हो, हो नंदी के पीरा। Thank you.
पीला हो 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 हमारे आशीर्वाद दिलाते हो खोनन दी के पीरा हो मरने आशीर्वाद दिलाते हो खोनन दी के पीरा तन्न्यू ही पूछी जाऊंगी हो नंदी के बीरा तन्न्यू ही पूछे जाऊंगी हो नंदी के बीरा हो मेरा मैया का दिखाते हो नंदी के बीरा हो मेरा मैया का दिखाते हो नंदी के बीरा मेरा टोले कुए में लटके से मेरा मन भक्ति में भटके से मेरा टोले कुए में लटके से मेरा मन भक्ति में भटके से अरे ले मैया का नाम जाऊंगी मैं मेरे में मेरे में मेरा मैया का दिखाते हो नंदी के बीरा मेरा मैया का दिखाते हो नंदी के बीरा मन मैया से मिलवाते हो नंदी के बीरा तेरा शान नहीं भूलूंगी हो नंदी के बीरा तेरा शान नहीं भूलूंगी हो नंदी के बीरा मेरा मैया का दिखाते हो नंदी के बीरा मेरा मैया का दिखाते हो नंदी के बीरा उठ जाइए रे कबूतर माँ के दर पे जाइए रे उठ जाइए रे कबूतर जाके मंदिर में बैठा उठ जाए कबूतर जाके मंदिर में बैठा मैया का संदेशा जल्दी लेता आयो रे उठ जाइयो रे उठ जाइए रे कबूतर माँ के दर पे जाइए रे उठ जाइए रे जगराते में नाच दिखाऊंगी हो नंदी के बीरा जगराते में नाच दिखाऊंगी हो नंदी के बीरा मेरा मैया का दिखाते हो नंदी के बीरा मेरा मैया का दिखाते हो नंदी के बीरा शेरावाली माता की इतनी हाजिरी मेरी कबूल करो आप लोगों का प्यार और सहयोग बना रहा तो मैं और मेरी गीत आप लोगों से हमेशा यूं ही जुड़े रहेंगे।